अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी ट्रांसलेट आवर चैप्टर नंबर 6, द रिवार्ड, रिटन बाय लॉर्ड डनसनी। एज यू ऑल नो दैट वी आर रीडिंग द ट्रांसलेशन ऑफ द लेसन एंड वी विल कंटिन्यू आवर ट्रांसलेशन टुडे। वी स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन फ्रॉम पेज 38। Let's start our translation. कल तक जैसा कि आपको पता है कि हमने पढ़ा था, ऊपर जितनी भी डिस्कशन हुई थी वो दो करेक्टर इंट्रोड्यूस हुए थे, एक जॉर्किंस का था और एक टर्बिट का था। जैसा कि आपको पता है कि दिस लेसन इज़ अ कंपेरिजन बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। तो एक करेक्टर जो है वो डिटर्मिनेशन के हक में था और दूसरा जो करेक्टर है वो अपॉर्चुनिटी के हक में था। अब जो डिटर्मिनेशन वाला है वो मिस्टर जॉर्किंस था। वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए उसने एक स्टोरी सुनानी थी। उसने कहा था कि अगर एक शख्स डिटर्मेंट रहे और वो अपने अपने डिटर्मिनेशन के साथ अपना कोई भी काम करता रहे तो ज़िंदगी में कभी ना कभी कामयाब हो ही जाता है। डिटर्मिनेशन उसको पार लगा देती है। अब उसके दलील के लिए उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था मिस्टर टर्बिट, जो कि अपॉर्चुनिटी के हक में था, और वो उसे कहता है कि क्या तुम इस बात को प्रूव कर सकते हो कि कोई शख्स जो है वो अपने डिटर्मिनेशन से अपनी जो विशेज़ हैं तो उनको फुलफिल कर सकता है। तो हमने यहाँ से शुरू करना था कि उसने कहा था कि हाँ मैं प्रूव कर सकता हूँ। उसने कहा था कि एक ऐसा ही वाक्या है। तो ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि वो अब अपनी स्टोरी एक सुनाने लगा है। और आज इसमें हमारा जो तीसरा करैक्टर है इस लेसन का वो इंट्रोड्यूस होगा, जो कि है गॉर्जियस। गॉर्जियस एक ऐसा करैक्टर है जो कि एक स्टोरी के फॉर्म में यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा और फिर आगे सारी स्टोरी उसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स हियर इट, आओ इसे सुनते हैं, सर टर्बिट, टर्बिट ने कहा। ये टर्बिट ने उसका जवाब दिया है जब जॉर्किंस ने कहा कि मैं तुमसे इससे मिलती जुलती कहानी सुनाता हूँ कि डिटर्मिनेशन किस तरह से काम करती है। ठीक है, देयर वॉज अ यंग फेलो, एक नौजवान था, सर जॉर्किंस, जॉर्किंस ने कहा, टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज टू से द वेरी थिंग दैट वी हैव बीन सेइंग नाउ, जिससे उसके वालदैन शायद इसी तरह बात करते थे जैसी कि हम अभी कर रहे हैं। वही बात के उसके जॉर्किंस बता रहा है कि गॉर्जियस उसके पेरेंट्स के दरमियान भी यही इशू चल रहा था, अपॉर्चुनिटी का, डिटर्मिनेशन का। एंड वेरी लाइकली ही, और बिल्कुल इसी तरह की बात, और गालिब इम्कान ये है कि वो भी ऐसे ही बात कर रहे थे, एज मैनी यंग फेलोज डू, जैसे कि बहुत से नौजवान करते हैं। वो कहता है कि जॉर्किंस ने बता रहा है कि एक नौजवान था जिसके वालदैन शायद इसी तरह की बातें किया करते थे जैसी कि हम अभी भी करते रहे हैं, और ज़्यादा इम्कान यही है कि उसने जैसे बहुत से नौजवान करते हैं उसने भी किया। क्या किया? मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, उसने उन्हें गलत साबित करना चाहा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट वॉज लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पुरानी बात है, बट वट एवर हिज मोटिव वॉज, लेकिन इसका मकसद जो भी था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन, उसके जहन में एक बहुत ही गैरमूमूली ख्वाहिश जो है समा गई। एम्बिशन, किसी चीज़ का मकसद होना, ख्वाहिश होना, आरजू होना, जिसको हम डिज़ायर कहते हैं। मोटिव, मोटिव होता है कोई मकसद, एम, मोटिवेशन, ठीक है, तो इंस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं, पर्पस। वो कहता है उसके जहन में एक बड़े ही गैरमामूली किस्म की ख्वाहिश जो है वो समा गई, और वो क्या थी? इट वाज नथिंग लेस देन टू अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट, ये ख्वाहिश दरबारी बाजीगर के तौर पर तैनात होने से कुछ कम ना थी। ठीक है, अपॉइंटेड होता है किसी जगह पर तकरर होना, जॉब का मिलना, डेजिग्नेटेड जिसको हम कहते हैं, कि उसकी ख्वाहिश क्या थी, और बड़ी ही उसकी यूनिक सी गैरमामूली ख्वाहिश थी कि वो कोर्ट एक्रोबेट, दरबारी बाजीगर के तौर पर काम करना चाहता था। वॉट, क्या? सेड टर्बिट, टर्बिट ने कहा। एक्रोबेट, बाजीगर, जॉर्किंस वेंट ऑन, जॉर्किंस ने अपनी बात जारी रखी। टू द कोर्ट, द कंट्री इन विच ही लिव्ड, इस मुल्क के दरबार में जहां पर वो रहता था। टर्बिट को भी जरा थोड़ी सी सरप्राइजिंग ये बात लगी है कि वो कोर्ट एक्रोबेट बनना चाहता, तो उसने दोहरा कर पूछा। तो जॉर्किंस कहता है हाँ, जिस मुल्क में वो रहता था वो उसके दरबार में एक्रोबेट बनना चाहता था, यानी कि बाजीगर बनना चाहता था।
What kind of country was that? ये किस किस्म का मुल्क था? Asked Turbit. Turbit ने पूछा. Never mind. इससे कोई गर्ज नहीं है. What country it was? कि कौन सा मुल्क था? Jorkins said. Jorkins ने जवाब दिया. And as a matter of fact, और जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, its customs were not so silly as you suppose. इस मुल्क के रस्म व रवाज इतने अहम काना ना थे जितना कि तुम ख्याल कर रहे हो. कस्टम्स होते हैं रस्म व रवाज, रिचुअल्स जिनको हम कहते हैं, प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं, सिली स्टूपिड को हम कहते हैं, फुलिश को हम कहते हैं. वो कहता है कि तुम ये ना समझो कि वो कि ऐसा गया गुजरा मुल्क था, इतना अहम काना उनके ख्यालात थे. वो कहता है कि उसके रस्म व रवाज इतने अहम काना नहीं थे जितना कि तुम ख्याल कर रहे हो. दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट. उनके दरबार में दरबारी बाजीगर की कोई भी जगह नहीं थी या कोई भी ओहदा ना था. एंड नेवर हैड हैड, और ना ही कभी रहा था. वो कहता है कि ना ओहदा वो पहले उस वक्त था और ना ही कभी ऐसा ओहदा पहले रहा था. बट दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन ये चीज़ नौजवान गॉर्जियस को अपने मकसद से ना रोक सकी. दैट वॉज हिज नेम, ये उसका नाम था. अब यहाँ पे वो करैक्टर जो इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको वो पहले यंग मैन कह रहा था, उसका करैक्टर इंट्रोड्यूस कर हो चुका है बाय नेम. तो वो कहता है उसका नाम नौजवान का गॉर्जियस था. दैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था. ही वाज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा खिलाड़ी था. व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया एट अबाउट द एज ऑफ 16, जब वो 16 साल का था तब उसके जहन में ये जुनूनी किस्म का ख्याल आया. क्या जुनूनी किस्म का ख्याल था? टू वर्क एज कोर्ट एक्रोबेट, ठीक है, कि वो काम करे दरबारी एक्रोबेट के तौर पर. एंड हैड वन द हाई जंप एंड द हर्डल्स एंड द 100 yards एट द स्कूल, और वो अपने स्कूल में ऊंची छलांग लगाने और रुकावटें अबूर करने वाली दौड़ और 100 गज की दौड़ जीत चुका था. वह कहते हैं जब वो 16 साल का था और ये सारी अच्छा एथलीट था और ये सारी दौड़ें जीत चुका था, तब उसके जहन में ये जुनूनी ख्याल आया कि वो कोर्ट एक्रोबेट के तौर पर काम करे. वेल, अच्छा, देयर वॉज अपॉर्चुनिटी, फिर तो मौका था. आर्ग्यूड टर्बिट, टर्बिट ने दलील दी. इफ़ ही वॉज बोर्न अ गुड एथलीट, अगर वह पैदाशी तौर पर एक अच्छा एथलीट था. अब फिर वो उसने अपनी बात की तरफ लेके जा रहा है. टर्बिट कह रहा है अच्छा, अगर वो अच्छा एथलीट था तो जाहिर है फिर उसको अपॉर्चुनिटी मिली. वो अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये काम करना चाहता था क्योंकि वो पैदाशी तौर पर एक अच्छा एथलीट था. बट वेट अ मोमेंट, लेकिन सब थोड़ा सब्र करो, सेड जॉर्किंस. जॉर्किंस ने कहा, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, आप जिंदगी भर तो एथलीट नहीं रह सकते. एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और इसे तो अभी वो असामी भी पैदा करनी थी. कौन सी असामी थी, कौन सी जगह थी? वो थी कोर्ट एक्रोबेट की. अब जब टर्बिट ने उसको थोड़ी सी दलील दी है, उसको कहा है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, अगर वो अच्छा एथलीट था तो फिर वो क्यों नहीं बन सका, फिर डिटर्मिनेशन की बात कहाँ से आ गई? तो वो उसको आगे से कह रहा है कि अगर कोई शख्स जितना भी अच्छा है अपनी ज़िंदगी में, जाहिर है वो यंग है, पहले बच्चा है, फिर यंग मैन हो गया, फिर ओल्ड मैन हो गया, तो सारी उम्र एथलीट तो नहीं रह सकता. तो वो कहता है कि उसको सारी उम्र एथलीट तो नहीं रहना था, सबसे बड़ी बात उसकी डिटर्मिनेशन ये थी कि उसको कोर्ट एक्रोबेट की पोस्ट पैदा करनी थी अपने लिए. ठीक है, ये आज हमारा पेज 38 कंप्लीट हुआ है. अब इसके नम्स देख लेते हैं. पहला हमारे पास जो वर्ड आया था वो था मोटिव. मोटिव होता है मकसद या किसी चीज़ का मुहर्रक, पर्पस जिसको हम बोलते हैं. बी अपॉइंटेड, किसी जगह पर जॉब करना, अपॉइंट होना, तकर्र होना. तो डेजिग्नेटेड, कस्टम. कस्टम्स होते हैं रस्म व रवाज, प्रैक्टिस या रिचुअल्स भी हम लिख सकते हैं. सिली, सिली होता है बेवकूफ, अहमकाना, फुलिश, स्टूपिड, कोई भी इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं. स्पोज, स्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ का ख्याल करना, अंदाज़ा लगाना, फ़र्ज कर लेना. तो सपोज एज्यूम. कम बाय, कम बाय का मतलब होता है हासिल कर लेना, टू गेट, टू ऑब्टेन. ठीक है, फिर हमारे पास इस सारे ट्रांसलेशन में वर्ड यूज़ हुआ वाइल्ड. वाइल्ड का मतलब होता है जुनूनी किस्म का, इम्पल्सिव. ठीक है, इसके बाद हर्डल है. हर्डल होती है रुकावट, इसके लिए हम कह सकते हैं फेंस. इसके बाद आर्ग्यू. आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, दलील देना. तो डिबेट, किसी के साथ बात करना. ठीक है,
तो आपका होम टास्क यही है कि आपने कोशिश करनी है कि आप फर्दर इनके कुछ सिनोनिम्स तलाश करें ताकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके लिए कोई मुश्किल ना आए। कल इसे आगे ट्रांसलेशन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।